हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो यार आज का सीन ये है, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यार होम टूर बनाओ। तो यार आज फाइनली मैं हालागढ़ से अपनी वापस आ गया हूँ, तो होम टूर भी आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ से शुरू करते हैं, बाहर से दिखाना ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से। ये हमारा ये लॉन वगैरह, ये जो भी कह लो यार, इसको पता नहीं ग्रीन बेल्ट वगैरह क्या कहते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन है घर की ठीक है। इधर से ही हम अगर अंदर एंटर हो जाए तो ये बड़ी गाड़ी है, इस पर ज़रा थोड़े बहुत पैसे लगने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल यस मैस हो जाएगी। ये ज़रा मेरे बड़े भाई की गाड़ी थी, उसकी डेथ हो गई है, इससे ही हम सेल नहीं करना चाह रहे। तो यार ये देखो, यहाँ से एंटर होते हैं तो ये है गराज ठीक है, ये आबशार वगैरह। यार ये थोड़ा खिलाड़ा वगैरह जो है ना, ये इग्नोर करना यार ठीक है। ठीक है, ये आबशार वगैरह। उसके बाद मुझे सबको पता है यार के जो एलडी के रूल होते हैं, ये साइड गली पीछे गली, वो इतना ख़ास नहीं, पीछे गीज़र शीज़र लगे हैं ठीक है। बाकी आपको अंदर से दिखाते हैं ठीक है। ये देखो ये लॉबी का गेट है ठीक है, इधर से एंटर हो गए, ये सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ठीक है। ये डैन चुड़ैल बैठी है, ये देखो शूज़ पहने ठीक है। इधर से एंटर होते हैं तो ये हमारा ड्राइंग रूम ठीक है। ड्राइंग रूम आप देख सकते हो, 1.5 पे बना लेते हैं। अच्छा तो यार ये आप ड्राइंग रूम देख सकते हो ठीक है। उसके बाद यहीं से ओपन रख के ठीक है, ये क्या नाम लेते हैं, टीवी लॉन्च। ये टीवी शीवी देखो, मेरा सुल्तान चल रहा है। तो टीवी लॉन्च है, बाकी वो ड्राइंग रूम था ठीक है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ठीक है, ऊपर तो बाद में जाएंगे। भैया को दिखाते हैं ये देखो, किचन चेक करो भाई। बाकी ये नहीं साइंस समझ आती, ग्लास उठे टंगने का क्या सीन है। ये चूल्हा शुल्ला, ये किचन वगैरह, ये वो, और ये है डर्टी किचन, वाकई में डर्टी है। बात तो सही है। नहीं वहाँ पर यार सफाई रसोई रखने की आदत नहीं है, ऐसे गंदा मंदा हमारा घर पड़ा रहता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अच्छा ये हमारे घर का मास्टर रूम। मेकअप के बगैर प्यारी नहीं लग सकती हैं? नहीं लग सकती, तू तो पीछे हो। अच्छा ये चेक करो यार, ये कमरा शमरा, ये मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई थी ये वो है ठीक है। ये चेक करो ठीक है, अपना कमरा जो है ना, इस औरत ने बड़ा लेवल का तैयार कराया हुआ है। हमारा पूरा घर में सिर्फ वाहिद ये कमरा ही अच्छा है ठीक है। बाकी यार ये देखो, ये मेरे भाई की तस्वीर है ठीक है, देर से पहले बताया इसकी डेथ हो गई है ठीक है। तो बाकी ये वो हाथ हूथ सेकने वाला जो है, क्या कहते हैं इसको, फायर प्लेस या हीटर जो मर्जी कह ले यार, ये देखो ये खाने शाने ठीक है। बाकी अब चलते हैं ऊपर। अच्छा यार यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ठीक है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाके ये डैन का कमरा, ये डैन ठीक है। ये चेक करो, इसको हमने बेड शेड नहीं दिया हुआ, इसको हमने कहा ज़मीन पे सोया कर। ये ज़रा सा इसको हम उठा के लाए हुए हैं ना वो कचड़े से, इसको हम फैसी। इधर इसका शीशा वीशा लगना है, वैसे भी आज शीशे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हमने कर देनी है शादी थोड़े सालों तक, तो ये कमरा भी मेरा ही होगा ठीक है। ये मेरी दादी मी का कमरा, ये मेरी दादा सोई हुई है ठीक है। इनसे आपको फिर कभी मिलवाएंगे, अभी जाएंगे तो उठ जाएंगी ठीक है। ये बची, इसकी तो हमने कर देनी है टिंड ठीक है, इसकी टिंड करो दीछा। अच्छा क्या ये देखो, एज ऑलवेज मेरा कमरा गंदा ही रहता है, मैं हूँ ही इतना गंदा इंसान यार, मुंह पे कहता। ये चेक करो मेन चीज मेरे कमरे की भाई साहब, ये रीशा के पास नहीं है, ये बालकनी। सुबह उठो भाई, आप शादी शुदा हो, अपनी बीवी को लेके इधर आओ, है क्या मजा आता है यार। ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, सोच सोच के। अच्छा बाकी ये कमरा शमरा देख लो, इधर शीशे वीशे लगवाने हैं
जितनी देर शादी पे अपनी सही कराएंगे यार। हाँ एक और चीज रिवील करूंगा, वीडियो एंड तक देखना। ये देखो वॉशरूम, चल वॉशरूम भी देखो गंदा। क्या बोलना बोलो, मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया, मेरा बेफॉर्म भी है, तो बेफॉर्म भी नहीं है। अच्छा क्या रह गया इसमें, क्या है? ओ बर्तन है। ये देखो इसकी भी लाइटें शिटे चलाओ यार, क्या कर रहे हो यार। ये देखो किचन देख रहे हो, हैं किचन देख रहे हो। ये किचन से भी भाई, जब मेरी बेगम भाई हर टाइम में पहन शादी की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा ये खुल नहीं रहा यार मेरे। ये देखो यहाँ पे भी भाई ये बालकनी है, ठीक है। आपको पता है जिधर आपको भाई का कमरा हो वो चीज़ लेवल होती है, ठीक है। सिवा ये चेक करो यार, व्यू देखो बस। हाँ ये ऊपर से देख के नीचे तक हम देख सकते हैं, ठीक है। और देखो पजामे शजामे पड़े हुए हैं। ये बच्ची जो है ना ये बहुत फास्ट है। आपका नाम क्या है, नाम बता, नाम क्या है? आयत। पापा का क्या नाम है तुम्हारे? अरे बस कर भाई, नहीं बता यार, शर्मा रही है। ऊपर चलते हैं अब हम, ठीक है। तो यार ये देखो अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। इधर ये छोटी बच्ची रहती है, ठीक है। शोर किसी ने किया ना मैं कोट दूंगा पकड़ के। अच्छा यार ये ऊपर आ गए हम, ठीक है। इधर ये बच्ची रहती है, इसकी हमने टिंड करनी है जिसकी। रिशा मशीन ला, रिशा मशीन ला। अच्छा यार ये चेक करो, ये है भाई साहब आंटी का कमरा, ठीक है। ये इस बच्चे की मामा, ठीक है। आंटी का भी आपको तारुफ कराएंगे हम किसी देख पर कि आंटी हमारा क्या रिलेशन है। ये देखो गंदे की खैर है भाई, आवाम को पता है कि हम कितने गंदे मंदे इंसान है। स्टोर रूम है ये इसलिए गंदा है, बाकी आपको पता है मेरा कमरा तो कितना साफ था। देखो भाई साहब ये है हमारी छत, इधर कोई हो इधर कोई हमने शुगल मिला करना हो, ठीक है। ये देखो बारबेक्यू वगैरह दोस्तों के साथ वो कर लेते हैं, सांस चढ़ गए मुझे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इधर हमने बैठ के भाई वो जो किया था अपना पहला जो उनसे इंट्रोडक्शन और भी लोग, ये वो सीन है, ठीक है। यहाँ से ऊपर चढ़ के छलांग मार के हम खुदकुशी भी कर सकते हैं। ये चेक करो इधर गली शली में से गुजर के, ठीक है। ये तुम्हारे एसी का ऑर्डर पड़ा हुआ है, कटे हो कटियो हो गया। अच्छा इधर से हम भाई ये चेक करो, ये जब अभी यार थोड़ी सोसाइटी नहीं ना बनी, जब ये सोसाइटी बन जाएगी ना फिर थोड़ी वो प्यारी लगेगी, यहाँ थोड़ी अच्छी लगेगा, व्यू अच्छा आएगा। तो देखो दूर दूर तक आपको पता है, फिर रोन के भी आ जाएगी यहाँ पे, रोन को से समझते हो ना आप। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। हाँ वही, ये चेक करो इनको हम रोटी छोटी डालते हैं, ये चेक करो। अच्छा यार तो जो उनसे एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैंने रिवील करनी है, वो मेरे जहन से निकल गई थी। ये क्लिप अब मैं बाद में बना लूँ लेकिन इसको मैं एडिटिंग में आगे पीछे कर दूंगा। तो यार जो चीज़ मैंने रिवील करनी थी वो ये थी कि आपका भाई है इंगेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ऐवी शादी वादी की बातें मैं ऐवी नहीं करता यार, आपके भाई ने ढूंढ लिया अपनी भाई होने वाली बेगम। तो इंशाल्लाह डेट शेट जो भी होगा वो बाद में रिवील करेंगे टाइम आने पे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना था कि यार आपका भाई इंगेज है। अच्छा तो यार अगर आपको यार वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।